बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कनाडा की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अंदर मल्टी ईयर इमिग्रेशन प्लान जो है वो 2020 से लेके 2020 तक का शाया कर दिया गया है इंटरनेट पे। दोस्तों, इस प्लान से आपको ये चीज़ पता चलती है कि आपको कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए और आगे आने वाले दिनों के अंदर कौन से ऐसे प्रोग्राम्स होंगे कनाडा के जिसके अंदर पीआर लेने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा ने कौन से ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर कितना कोठा रखा है कि 2020 में कितने लोग जा पाएंगे, 2021 में कितने लोग जा पाएंगे और 2022 में कितने लोग जा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजदीक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। फ्रेंड्स, इन चीज़ों से हमें ये चीज़ का आइडिया हो जाता है कि हमें आने वाले दिनों के अंदर कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे आपको इमिग्रेट होने के कनाडा के अंदर। तो नंबर वन के ऊपर जो उन्होंने प्रोग्राम यहाँ पर बताया है दोस्तों, वो है FSW, मतलब के फॉरेन स्किल्ड वर्कर। दोस्तों, इस प्रोग्राम का जो कोठा रखा गया है वो 91,800 का रखा गया है 2020 में। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर इतने लोग इमिग्रेट नहीं हो पाए तो 2021 के अंदर आने वाले दिनों में इसको अपडेट कर दिया जाएगा और इसके कोठे को मजीद बढ़ा दिया जाएगा। अभी फिलवक्त जो 2020 का कोठा रखा गया है वो 91,800 रखा गया है। साथ ही में दोस्तों, 2021 का जो कोठा रखा गया है इसी प्रोग्राम के अंदर वो 91,150 है। साथ ही 2022 के अंदर 91,550 का कोठा रखा गया है। मतलब दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर फॉरेन स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में आपको काफ़ी ज़्यादा लोग इमिग्रेट होते हुए दिखेंगे कनाडा में। सेकेंड नंबर के ऊपर बात की जाए फ्रेंड्स अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है हमेशा से कनाडा का। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर जो कोठा डिसाइड किया गया है वो 2020 में सिर्फ 5,000 लोगों का है। अगर बात की जाए 2021 की तो 2021 के अंदर भी सिर्फ 5,000 लोगों का कोठा रखा गया है और 2022 के अंदर भी सिर्फ 5,000 लोगों का कोठा रखा गया है। इसका मतलब फ्रेंड्स, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंदर चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होंगे आने वाले दिनों में। अब बात की जाए फ्रेंड्स इकोनॉमी पायलट्स प्रोग्राम की, तो यहाँ पर है एग्री फूड इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। इसके अलावा है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। इनका जो कोठा रखा गया है 2020 के अंदर वो सिर्फ 5,200 लोगों का है। 2021 के अंदर जो उसका कोठा रखा गया है वो 7,150 लोगों का है और 2022 के अंदर 9,500 लोगों के लिए कोठा रखा गया है। मतलब इसके अंदर भी आने वाले दिनों के अंदर आपके पास इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, हर प्रोग्राम के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं जिसके तहत इसके अंदर कोठा इतना कम रखा गया है कि बहुत कम लोगों का ही चांस लग पाएगा। उसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स बिजनेस वीज़ा की, तो यहाँ पर सिर्फ 750 का कोठा रखा गया है 2020 के अंदर। 2021 के अंदर भी 750 है और 2022 के अंदर भी 750 ही कोठा रखा गया है। अब बात की जाए फ्रेंड्स प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम की, तो यहाँ पर 67,800 का कोठा रखा गया है 2020 के अंदर। 2021 की बात की जाए तो इसी प्रोग्राम के अंदर 71,300 का कोठा रखा गया है। 2022 की बात की जाए फ्रेंड्स तो 73,000 का कोठा रखा गया है। मतलब कि प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको चांसेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात की जाए क्यूबेक स्किल्ड वर्कर और क्यूबेक बिजनेस की, तो यहाँ पर आपको 25,000 का कोठा देखने को मिलता है 2020 के अंदर। अब फ्रेंड्स 2021 और 2022 का कोठा अभी तक रिलीज नहीं किया गया, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात की जाए फैमिली क्लास प्रोग्राम की, जिसके अंदर स्पोर्ट्स वीज़ा भी आ जाता है, पार्टनर एंड इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, तो उसके अंदर 70,000 का कोठा रखा गया है 2020 के अंदर। 2021 के अंदर भी 70,000 का रखा गया है और 2022 के अंदर भी 70,000 का कोठा रखा गया है। उसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम की, तो इसके अंदर भी 21,000 का कोठा रखा गया है 2020 में। 2021 के अंदर भी 21,000 है और 2022 के अंदर भी 21,000 का कोठा रखा गया है।
इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं लाइक रिफ्यूजीज के और मजीद, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके खुद ही भी इसको चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि टोटल कितने लोग इमिग्रेंट हो पाएंगे, तो दोस्तों 2020 से लेके 2022 तक तकरीबन 10,53,000 लोग जो है वो इमिग्रेट हो पाएंगे, मतलब कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इमिग्रेट होंगे कनाडा। और इस वक्त कनाडा को लेबर शॉर्टेज का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत मैंने जो आपको अभी प्रोग्राम्स बताए जिसके अंदर ज़्यादा कोटा रिलीज़ किया गया है उसी के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए, उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे वीज़ा मिलने के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी जो हम अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम देख रहे हैं, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर चांसेस काफ़ी ज़्यादा आपको कम देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।